हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज हम पढ़ेंगे जावा प्रोग्रामिंग यूजिंग स्विच केस। पर उससे पहले हमारे उस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को फेस यूट्यूब पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन से अपडेट रहें और हमारे साथ आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहें। साथ ही साथ हम लोगों ने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काइंडली हमारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पेज को फेसबुक पे भी फॉलो करें, जिससे आप अपडेट रहेंगे। अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पे, जो हम लोग करेंगे जावा प्रोग्रामिंग यूजिंग स्विच केस। स्विच केस एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जो अगर आप एक आईएससी स्टूडेंट हैं और आप अगर 10th का बोर्ड दे रहे हैं, तो ये कम से कम 15 से 20 मार्क्स का ये भी एक टॉपिक बैठेगा। जो ये नहीं कि स्विच केस एक अलग टाइप का प्रोग्राम आएगा, क्या पता वो किसी प्रोग्रामिंग में एरे की या फिर कोई बफर रीडर की प्रोग्रामिंग में यूज़ हो सकता है, या फिर एक सेपरेट प्रोग्राम भी आपको मिल सकता है आपके आईएससी बोर्ड के एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो स्विच केस है आपको 12th क्लास आईएससी में भी काम आएगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग आपको एक ऐसी है, ये बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक है आपकी जावा प्रोग्रामिंग के लिए, जो आपके 10th और 12th दोनों के लिए का। तो इस पर हम लोग अच्छे से फोकस करेंगे, ताकि हमारे मार्क्स गेन हो पाएँ और हम कंप्यूटर में ईजी मेथड्स भी यूज़ कर पाएँ। अब स्विच केस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि स्विच केस होता क्या है, वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में और कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्विच केस का सिंटेक्स देखेंगे, सिंटेक्स कैसे होएगा, और ये सिंटेक्स आपका आएगा एग्जामिनेशन में हमेशा 2 मार्क का आ सकता है, अगर एग्जामिनर पूछना चाहे तो, या फिर आपके वाइवा में पूछ सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स होएगा स्विच, स्विच का हमेशा ये याद रखिएगा एस छोटा रहेगा, उसके अंदर वेरिएबल जो भी आपने डिफाइन करा है, और उसके बाद आएगा हमारे केस, केस वन, केस टू, जितने भी हमारे नंबर ऑफ केसेज हैं टिल एंड टाइम्स, जितने भी हमने लिए हैं 9, 10, 8, 11, 12 जितने भी, और ब्रेसेस बंद। ये हमारा सिंटेक्स है स्विच केस का। और ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ये हमारा कैर भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, डबल भी, और सर जितने भी जावा में 8 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स है वो हो सकते हैं। 8 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जो हमने पढ़े थे, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कैसे स्टार्ट होएगा, क्या होएगा। स्विच एक होता है चॉइस के लिए, जैसे अगर मेरे को प्रोग्राम मैंने आपको दिया कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी टू नंबर्स, और फिर उसके बाद हमने आपको केस दे दिया कि केस वन चेक द सम, और केस टू चेक द डिफरेंस ऑफ़ द टू नंबर्स। तो ये हमने हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो हमें इससे यूज़र से इनपुट कराना पड़ेगा कि यूज़र को क्या चाहता है। यूज़र उन सम्स का डिफरेंस देखना चाहता है कि नंबर का डिफरेंस कितना है दो नंबर्स हमने इनपुट कराए हैं, या यूज़र केस टू चाहता है यानी कि दो नंबर्स का डिफरेंस चेक करवाना चाहता है। ये यूज़र के ऊपर डिपेंडेंट है, चॉइस है। तो इसलिए जो हमें पता है कि यूज़र, हमें नहीं पता कि यूज़र क्या इनपुट कर सकता है, तो हम लोग उसमें केसेस बनाए थे यूज़र के लिए कि केस वन में अगर आप जाएंगे तो आपको सम चेक करवाने को मिलेगा, केस टू में जाएंगे तो डिफरेंस, अगर मान लीजिए मैं आगे और केस बना दूँ कि केस थ्री में जाएंगे तो आपको दोनों का डिविजन रूल मिलेगा, केस फोर में जाएंगे तो आपको दोनों का रेस टू द पावर एक्स रेस टू द पावर वाई मिलेगा, मतलब ऐसे आपको काफ़ी केसेस बन जाएंगे। तो हमारा ये टॉपिक ऐसे ही हम लोग इसलिए स्विच केस यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसी सम को आपको आगे पूरा करवाऊँ कि कैसे होएगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होएगा। सिंपल, हम लोग अपना पहले नंबर इनपुट कराएंगे दो, जैसे हम आपसे करवाते हैं SOPLN एंटर एनी नंबर, और यूज़र से हम लोग बफर रीडर से ही नंबर करवाएंगे, एंटर एनी नंबर, यूज़र इनपुट कर देगा दो नंबर, उसके बाद हम लोग N1 में और N2 में नंबर स्टोर कर लेंगे जो इंट होंगे, और उसके लिए हम लोग बफर रीडर की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं इंटीजर डॉट पास इंट br डॉट रीड लाइन। और यही लाइन आप दोबारा कॉपी कर देंगे इसके लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से चॉइस इनपुट कराएंगे, SOPLN एक मैसेज डाल देंगे, एंटर योर चॉइस, उसमें आप लोग चाहें तो दो लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि केस वन चेक द सम, और SOPLN केस टू
फॉर डिफरेंस, ये हम लोग डाल सकते हैं और ये आपके लिए सही भी रहेगा। इससे आपके प्रोग्राम की लेंथ भी बढ़ेगी और आपके प्रोग्राम की जो क्लैरिटी है और जो आपका प्रोग्राम का फंक्शन है वो देखेगा कि आप कितना क्लैरिटी आपके दिमाग में है, कि आपका कोई डाउट नहीं है आप जो कर रहे हैं, और एग्जामिनर को भी एक पूरा प्रोसेसिंग देखेगी कि कौन सा कैसे करें। तो मेरे अकॉर्डिंग बिना आईएससी स्टूडेंट आपको केस डालने पड़ेंगे एसओपी लेन में, कि आपकी क्या क्या है, केस वन में क्या है, केस टू में क्या है, केस थ्री में जो भी नंबर ऑफ केसेज है उनमें क्या है। और नॉर्मली बोर्ड 3 से या 4 से ज़्यादा केस नहीं देता है, तो इसलिए मेरे ख्याल से बेटर मार्क्स के लिए फॉर स्कोरिंग 100 मार्क्स इन कंप्यूटर यू शुड ऑलवेज मेंशन द केसेस। अगर एग्जामिनर का मान लो कोई एग्जामिनर ऐसा हुआ जो रिस्ट्रिक्टेड है कि केसेस लिखने ही हैं और आपने केसेस नहीं लिखे, तो आपके फालतू में 1 से 2 मार्क कट सकता है। इसलिए बेटर रहेगा आप एक सेफर साइड पर चले, केसेस मेंशन करें। उसके बाद हम लोग आएंगे अपनी स्विच की प्रोग्रामिंग पे, उसके लिए मैं आपको इसी प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें आप स्टार्ट करेंगे स्विच, हम लोग पहले एक लेंगे जो हमने इंटर और चॉइस करी थी, चॉइस को हम लोग स्टोर कर लेंगे सी एच में, इंटीजर डॉट पासेंट बी आर डॉट रीड लाइन। मैंने इस केस को चॉइस को इसलिए इंट ही लिया है क्योंकि हमने डाला हुआ है केस वन, वन वन इज एन इंटीजर, तभी मैंने इंट सी एच लिया है। अगर मैंने डाला होता केस ए इज इक्वल्स टू चेक द नंबर ऑफ, चेक द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, तो केस ए ए इज अ कैरेक्टर टाइप, तो हम लोग लेते केस सी एच। अगर मैंने डाला होता केस चॉइस वन, चॉइस वन एक स्ट्रिंग बन जाती है, तो फिर हम लोग लेते हैं स्ट्रिंग सी एच। तो इसलिए अभी मैंने अभी लिया है केस वन, केस टू नंबर में लिया है केस को, 1 2 3 जो नंबर्स लिए हैं मैंने, इसलिए मैं इंटीजर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, आप अगर अगली बार आपने केस ए बी सी डी लिया है तो आप कैर भी ले सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे आते हैं मेन प्रोग्रामिंग पे, स्विच हम लोग सी एच डालेंगे अंदर, उसके बाद केस वन हम लोग डालेंगे, हमने नंबर्स ऑलरेडी इनपुट कर चुके हैं। अब हमें बस सिंपल वो जाना है कि हमें चेक द सम करना है दोनों नंबर्स का, तो हम लोग एक नया वेरिएबल ले लेंगे इंट सम इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2, ख़त्म। इसमें नीचे आप प्रिंट करवा दीजिए एस ओ पी एल एन, सम इज सम, सिंपल प्रोग्राम ओवर। अब केस टू की बारी आएगी, इसमें हमें क्या चेक करवाना था कि टू चेक द डिफरेंस ऑफ द सम, तो हम लोग एक और ले लेंगे इन डिफ इज इक्वल टू 0, डिफ इज इक्वल टू n2 माइनस n1। हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि n1 विल बी द ग्रेटर नंबर और n2 विल बी द स्मॉलर नंबर, वरना आंसर माइनस में आएगा। एस ओ पी एल एन डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इक्वल टू प्लस डिफ, ये हमारा ऐसे स्विच केस वर्क करेगा। अब मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग इसका ड्राई रन करेंगे और कैसे प्रोग्राम पूरा ऑपरेट करेगा। पहले प्रोग्राम स्टार्ट होएगा, दो नंबर्स इनपुट कर लेगा, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर 2 डाले हैं, एन इज इक्वल टू 5 n1 और n2 इज इक्वल टू 3, तो ये जाएगा। उसके बाद बफर रीडर में ये पूछेगा एंटर योर चॉइस, पहला दिखाएगा आपको कि केस वन इज इक्वल टू चेक द डिफरेंस और के चेक द सम, और केस टू इज इक्वल टू चेक द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। उसके बाद आपने मान लीजिए केस वन डाला, आपने इनपुट करा 1, तो ये जाएगा स्विच में चेक कर देगा केस वन में क्या है, केस वन में सम सम इक्वल टू 0 लेगा, पहले इनिशलाइज कर लेगा इंटीजर को जो हमने लिया हुआ है। उसके बाद क्या करेगा, सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2, 5 प्लस 3 8। अब क्या करेगा एस ओ पी एल एन सम इज 8, ये आउटपुट आ जाएगा। और मान लीजिए अगर आपने इनपुट करा है 2, तो क्या आएगा, 2 पे जाएगा, चेक करेगा डिफरेंस ले लेगा एक स्मॉल में डिफरेंस, पहले जाएगा केस 2 में चेक करेगा डिफ को इक्वल टू 0 ले लेगा, फिर चेक करेगा इसमें लिखा हुआ क्या है, n1 माइनस n2, 5 माइनस 3 8, और ये प्रिंट कर देगा डिफरेंस इज 8। ऐसे हमारा स्विच केस वर्क करेगा। अगर आपने 1 डाला होता केस में तो ये आउटपुट आता, और अगर आपने 2 डाला होता तो ये आउटपुट आता। स्विच केस की प्रोग्रामिंग हमें ऐसे हम लोग कैरेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कैरेक्टर के साथ यूज़ करके दिखाती हूँ,
अगर हमें प्रोग्राम दिया है कि केस ए चेक द इवन नंबर्स, इवन नंबर बिटवीन 1 to 10, केस बी चेक ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10। हम लोग ये प्रोग्राम आप देखेंगे कि हम लोग स्विच केस में भी कैसे फॉर लूप का यूज़ करते हैं, मतलब दो हम लोग जावा की दो यूनिट्स स्विच केस की और फॉर लूप की दोनों को कंबाइन कर कैसे एक प्रोग्राम बनाएंगे, और जो बेसिक इसका होएगा फॉर लूप से ही बनेगा, उसके बाद फिर कैसे हम लोग उसको स्विच में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हमारा एक प्रोग्राम बनेगा फाइनली। ये इजी प्रोग्राम है, इसमें घबराने की बात नहीं कि आपने देख लिया कि बिटवीन 2 1 to 10 है तो फॉर लूप आएगा, अरे प्रोग्राम टफ हो जाएगा। इट्स एक्सट्रीमली इजी, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हमारी लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बना के दिखाई थी जावा प्रोग्रामिंग यूजिंग फॉर लूप, अगर आपने वो अच्छे से देखी होगी, आपके फॉर लूप के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप ये प्रोग्राम आराम से कर पाएंगे। वरना एक बार प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगी आप वो वीडियो देखें, उसके बाद इस प्रोग्राम को आगे सॉल्व करें। तो ये कैसे होएगा, सिंपली हम लोग दोबारा प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद प्रोग्रामर से दिखाएंगे उससे, फिर SOPLN हम लोग प्रिंट करवाएंगे, पहले केस ए इज इक्वल्स टू ये पूरा लिखेंगे चेक इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10, फिर SOPLN ये आप आगे लिख लीजिएगा अपने आप, केस बी चेक ई ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10, उसके बाद हम लोग SOPLN डालेंगे एंटर योर चॉइस, और उसके बाद CH में हम लोग चॉइस स्टोर कर लेंगे इंटीजर डॉट पास इंट बी आर डॉट रीड लाइन के हेल्प से, क्योंकि हम बफर रीडर यूज़ कर रहे हैं। एक बात और, आपके जो जितने भी प्रोग्राम यूज़ होंगे आप स्विच केस के करेंगे, उन सब में आपको बफर रीडर ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बफर रीडर के बिना ये प्रोग्राम सारे इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि बफर रीडर एक ऐसा कंप्यूटर में मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग कीबोर्ड से डायरेक्टली ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम पूरा रन कर रहा होगा इनिशियलाइजेशन होगी तभी हम लोग इनपुट करवा पाएंगे, वरना और कोई मेथड है नहीं जिससे हम लोग बफर रीडर के बिना, या फिर कोई भी मेथड हम लोग ऐसा नहीं है जिससे हम इनपुट करा दें कीबोर्ड से डायरेक्टली जब प्रोग्राम रन कर रहा है। तो हम लोग कैश CH इंटीरियर डॉट पास इन BR डॉट रीड लाइन से हम लोग चॉइस इनपुट करवा लेंगे यूज़र से, उसके बाद हमारा डायरेक्टली प्रोग्राम शुरू होएगा स्विच से, स्विच CH, इस बार हम लोग CH हम लोग कैर में लेंगे क्योंकि हमने ए यूज़ करा हुआ है, तो फिर तभी हम लोग क्या लेंगे केस ए। अब लोग हमें क्या करना है, इवन नंबर्स निकालने हैं 1 से लेके 10 के बीच में, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ़ आई मॉड्यूल 2 इक्वल इक्वल 0 तो ये इवन नंबर होएगा, तो हम लोग प्लस प्लस इंट C1 कर लेंगे और प्रोग्राम में फॉर लूप बंद करेंगे। SOPLN इवन नंबर्स आ और जो भी हमारा काउंट आएगा उसको प्रिंट कर देंगे C1। प्रोग्राम ओवर आपका केस ए के लिए। मैं केस ए की पहले आपको डायरेंस दिखा रही हूँ कि इतनी स्क्रीन है नहीं भरे कि केस ए और केस बी का दोनों का डायरेंस साथ में हो पाए, तो इसका हम लोग कैसे डायरेंस करेंगे। अगर मान लीजिए यूज़र ने इनपुट करा ए तो ए में आएगा, ऑलरेडी हमने मेंशन करा हुआ है एक फॉर लूप चल रही है, तो फिर वो पहले इंट आई को इनिशलाइज कर लेगा 0 से, उसके बाद फिर वो नीचे आएगा, वो चेक करेगा क्या 0 मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, क्या 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल इक्वल 0 होता है, हाँ 0 होता है, तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी +1, तो 0 प्लस 1 C क्योंकि ऑलरेडी 0 है तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगी। दोबारा लूप ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या ऊपर इंक्रीज करेगा 0 को, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 के बाद चेक करेगा क्या 1 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो उसके बाद ये अंदर आएगा, फिर 1 मॉड्यूल 2 इक्वल इक्वल 0, क्या 1 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये क्या है ऑड नंबर। ऑड नंबर हमें अभी प्रिंट नहीं करने, हम दोबारा ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 2 हो जाएगी, चेक करेगा क्या 2 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो i मॉड्यूल 2 इक्वल इक्वल 0, क्या ये कंडीशन 2 है, 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल इक्वल 0, हाँ, उसके बाद जो रिमाइंडर आया 2 आया है, 0 आया है, उसके बाद ये नीचे आएगा सी की वैल्यू C1 की वैल्यू +1 हो जाएगी और हमारा काउंटर इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा। ऐसे ये लूप दोबारा चलता रहेगा कंटिन्यूसली 10 टाइम्स, और जो भी हमारी सी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू 5 आएगी C1 की, वो हमारा इवन नंबर्स आ C1 ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग केस बी की बात करेंगे, केस बी कैसे होएगा, केस बी उसमें हमें इनपुट करने हैं
वही वंस इंट हम लोग लेंगे, पहले आई, आई को इनिशलाइज करेंगे जीरो से, कंडीशन डालेंगे लेस देन 10 तक की, आई प्लस प्लस करेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये ऑड नंबर है कि नहीं। इफ आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0 तो क्या होएगा, प्लस प्लस हम लोग एक और वेरिएबल ले लेंगे इन सी टू, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम ओवर, और हमें नीचे बस प्रिंट करना है SOPLN ऑड नंबर्स आर, हमें सी टू प्रिंट करना है, और ये आपका केस टू का प्रोग्राम ओवर। और ये स्विच का ब्रैकेट बंद, ये वॉइड मेन का ब्रैकेट बंद, और एक क्लास का प्रोग्राम खत्म। हम लोग इसका ट्रायल रन देखेंगे। अगर मान लीजिए यूजर ने इनपुट करा बी, तो ये आएगा केस बी में, केस बी के बाद ये चेक करेगा, हमें इंट आई दिया होगा और उसकी वैल्यू 0, ये चेक करेगा क्या 0 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, अंदर आएगी वैल्यू 0 मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब 2 से 0 को 2 से डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर 0 है, हाँ है, पर हमें नॉट इक्वल टू 0 चाहिए था, तो कंडीशन फॉल्स, ऊपर जाएगा, दोबारा आई की वैल्यू इनिशलाइज करेगा 1 हो जाएगी, क्या चेक करेगा क्या 1 2 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, नीचे आएगी, फिर हम लोग करेंगे 1 मॉडुलस 2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0, क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, क्योंकि वन जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर होता है, तो हमें चाहिए कि रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है, 1 है रिमाइंडर, तो कंडीशन ट्रू। तो अब सी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 0 1, द्वारा लूप ऊपर जाएगा, उसके बाद 1 की आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, पहले 1 थी अब 2 हो जाएगी, चेक करेगा क्या 2 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, पर 2 मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो दोबारा ऊपर जाएगा आई की वैल्यू 3, उसके बाद दोबारा लूप चेक करेगा क्या 3 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, अंदर आके प्रोग्राम रन करेगा फॉर लूप में, उसके बाद देखेगा 3 मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, क्योंकि रिमाइंडर 1 होता है, तो सी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी सी टू की और ये 2 हो जाएगी, ऐसे ही प्रोग्राम आपका रन करता रहेगा, और इधर भी वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी लास्ट में, फिर हम लोग नीचे डाल देंगे हमारे ऑड नंबर जो प्रिंट करने थे सी टू, सी टू की वैल्यू 5 आ जाएगी, ऐसे हमारा स्विच केस नॉर्मली रन करेगा। बोर्ड प्रोग्रामिंग के पर्पज से आपको स्विच के काफ़ी प्रोग्राम्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट काफ़ी आ सकते हैं। फर्स्ट हमारा एक आ सकता है कि पैलिंड्रोम, पहले आपको दे सकते हैं पैलिंड्रोम नंबर चेक करवाइए फर्स्ट केस में, सेकंड केस में चेक करवाइए को प्राइम नंबर्स, ऐसे आपको किसी का भी बना सकते हैं, हैप्पी नंबर और मैजिक नंबर का दे सकते हैं केस 1 केस 2 में। उसके बाद एक प्रोग्राम आपको दे सकते हैं ऑड इवन का, जो जैसे मैंने आपको करवाया था ऑड इवन, आपको एक दे सकते हैं स्ट्रिंग का कि पहले अल्फ़ाबेट्स चेक करवाइए, अल्फ़ाबेट फ्रीक्वेंसी, और एक दे सकते हैं आपको नंबर फ्रीक्वेंसी का कि नंबर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें दोनों में आपका फॉर लूप भी यूज़ होएगा और स्विच भी यूज़ होएगा, स्विच प्लस फॉर प्लस स्विच दोनों के यूजेस आएगी आपको इसमें, इवन में भी आपका फॉर प्लस स्विच होएगा, हैप्पी में भी सेम है, आपको दोनों नंबर्स के लिए यूज़ करना पड़ेगा फॉर लूप, और लास्ट में फिर आपको स्विच केस तो लगाना पड़ेगा ए और बी के लिए। उसके बाद आपके काफ़ी ऐसे हमारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं प्रोग्राम के, कोई ऐसे लिमिटेड नहीं है कि यही आएंगे, काफ़ी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, कोई भी दो टॉपिक को मर्ज करके स्विच केस बन सकता है, पर नॉर्मली जो आप एक बार अपने 10 ईयर्स में देखेंगे, 10 ईयर्स के प्रोग्राम में हैप्पी नंबर और अल्फ़ाबेट फ्रीक्वेंसी काफ़ी बार आ चुकी है, और आपको हैप्पी और उसके बाद आपको आ सकता है मैजिक नंबर या डक नंबर, ये पूछ सकते हैं आपको कॉम्बिनेशन में, या फिर आपको पूछ सकते हैं प्राइम पैलिंड्रोम नंबर, और दूसरे में पूछ सकते हैं, दूसरी कंडीशन में आपको पूछ सकते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स कौन सी होती हैं, स्ट्रिंग्स चेक करवाइए, काफ़ी क्वेश्चंस मिल सकते हैं इसमें आपको, आप एक पूछ सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग है क्या वो, और आपको रिवर्स नंबर का रिवर्स निकालना सिखा सकते हैं, और एक स्ट्रिंग का रिवर्स, दो बन सकते हैं रिवर्स ऑफ द नंबर एंड रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, ये काफ़ी कॉमन कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको अगर फॉर लूप में नहीं आएगा तो फिर आपको स्विच में आ सकता है, क्योंकि इसमें दोनों यूज़ होती है, फॉर लूप भी और स्विच केस भी। आप ऐसे प्रोग्राम ट्राई कर सकते हैं अपने बोर्ड के लिए, और मैं रिकमेंड करूँगी आप 10 ईयर्स तो इस स्विच के लिए अपने अच्छे से प्रिपेयर करें, 10 ईयर्स फॉर बोथ, फॉर के लिए भी और स्विच के लिए भी, इससे आपके प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। और काफ़ी अगर डाउट्स, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक यू।